आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में शुक्रवार 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में आप पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर दाव खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने दोनों ही वार्म अप मुकाबले हैदराबाद में खेले थे, जहां बाबर आजम ने जमकर रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 80 रन जड़े थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनके बैट से 90 रन की इनिंग देखने को मिली थी। उनकी फॉर्म शानदार है, ऐसे में उन्हें कप्तान के तौर पर चुनना एक अच्छा फैसला होगा। आपको बता दें कि वह ओडीआई क्रिकेट में अब तक 108 मैचों में 5409 रन बना चुके हैं। उप कप्तान के तौर पर आप शादाब खान या शाहीन शाह अफरीदी को चुन सकते हैं। बात करें पाकिस्तान और नीदरलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच कुल 6 ओडीआई मुकाबले खेले जा चुके हैं, जो कि सभी पाकिस्तान ने जीते हैं। नीदरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी ओडीआई मुकाबला नहीं जीत सकी है। आज क्रिकेट एंड मोर ने अपनी ड्रीम 11 टीम में विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद रिजवान को चुना है। बल्लेबाजी करेंगे बाबर आजम, इमाम उल हक, शाउस अकील और मैक्स ओडार्ड। ऑलराउंडर है कॉलिन एक्रमैन, शादाब खान और बैजे लीडे। गेंदबाजी करेंगे लोवन बेन बीक, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। कप्तान हमने बनाया है बाबर आजम को, वहीं हमारे उप कप्तान है शादाब खान। बैकअप के तौर पर हमने इफ्तिकार अहमद, हसन अली, मोहम्मद नवाज और लोफ बैंडन मरवे को भी अपनी टीम में रखा है। बात करें अगर इस मुकाबले में पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो टीम में इमाम उल हक, फकर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाउस अकील, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ नजर आ सकते हैं। बात करें अगर नीदरलैंड्स की संभावित टीम की, तो टीम में विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओडार्ड, कॉलिन एक्रमैन, वेस्ले बैरसी, स्कॉट एडवर्ड्स, बैजे लीडे, रिलॉफ बैंडन मरवे, शारिज अहमद, लोवन बेन बीक, रियान क्लेन और पॉल एक्रमैन नजर आ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।